बड़ा वाला नहीं ना, ओ भाई बड़ा वाला भी है, भागो। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को बताना कि वो जो सेकंड बेस है ना, वो मैं कहाँ पे बनाऊँ और उसका सही से इस्तेमाल कैसे करूँ। सब कुछ तोड़ देगा ये, मैं बड़े पागल हो गया भाई, ये सबको मार डालेगा, ये सबको मार डालेगा। नहीं 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 भाई 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 भाई, बेकार हूँ, मैंने इससे पंगा ले लिया। चल मेरा घोरा, चल मेरा घोरा। सोचा कि इसको थोड़ा अनलॉक कर लिया जाए। यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस यहाँ पे ये इसको ये मार्स सायरन का यहाँ पे अनलॉक किया, आई थिंक ये नेचुरल ब्रिज ये अनलॉक किया, और मैंने अपना लेवल बढ़ा के लेवल 15 कर लिया है। और लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को पता होगा मेरे को नेल्स कैसे बनते हैं, ये नहीं पता था, लेकिन अभी मेरे को पता है कि नेल्स कैसे बनाने का है। और तुम लोग बोलोगे यार ये क्या भौंक रहा है, कौन सा नया अपडेट आ गया अभी स्टार्टिंग में, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं फूल तो नहीं ना गया हूँ, नहीं मैं फूला नहीं हूँ। हाँ अभी जो अपना एक अपडेट है ना, वो है कि देखो जब मैं कोई भी पाल्स को पकड़ता था तो वहां पे लिखता था अगर मैं 10 पाल्स को पकड़ूंगा तो और ज्यादा कुछ एक्सपी इंक्रीज होगा, लेकिन वो 12 हो चुका है, वो 10 से 12 हो गया है। और पहले मैं यहाँ पे दिन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और नया अपडेट ये स्टार्टिंग में कि यहाँ पे ये देखो मैं किधर हूँ, अच्छा इधर ही। अरे यार अपना बेस मैंने यार बहुत गलत जगह बना लिया और बहुत गंदी तरीके से बना लिया, तो थोड़ा सा इसको मेरे को माफ करो। हाँ ये देखो एक सेकंड, इसके लिए लेकिन मेरे को एक पानी वाला वो चाहिए होगा। ये देख रहा ये कौन है ये, एक सेकंड, ये रसावर भाई, ये मैंने इसको लास्ट टाइम पकड़ा था, ये दोनों रसावर को, ये स्टोन काफी तेजी से तोड़ते हैं, ये मेरे को चाहिए था। और ये देख रहे हो ये एक्टी डियर अपने ऊँट तोड़ने के लिए, लेकिन ये यहाँ क्यों तोड़ रहा भाई, मैं तुमको कितना बार बोल रहा हूँ यहाँ पे तोड़ा कर, ये तेरा एरिया है। और ये देखो ये तो पता ही है अपनी मिस्टेक, गलती से की हुई मिस्टेक, एक्शन बेरिज ले लेता। हाँ तो ऊट का काम एकदम बढ़िया से चल रहा है गाइज, और यहाँ पे स्टोन का भी काम बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। और ये तो पता ही है हमने दो बना लिया था, ये क्या नाम था इसका, स्टोन पिट तो उसको बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। हाँ तो ये दोनों एकदम मस्त नहा रहा है, मैंने दिखाया भी था लास्ट एपिसोड में, ये कितना क्यूटी नहाते हैं। एक सेकंड यहाँ स्टोन, चलो ठीक है, थैंक यू, और दे दो, अभी मत दो, अभी मेरे को इसको पहले भरने दो। हाँ ये देख रहो, ये पहले घूमता नहीं था, ये देखो ये एनिमेशन उन्होंने ऐड किया यहाँ पे। उसी तरह एक दो और भी ऐसे ऐसे अपडेट हैं छोटे छोटे माइनर, जो मेरे को बढ़िया लग रहे हैं यार इस पाल वर्ल्ड में। देखो कोई भी गेम हो, अगर उसमें अपडेट नहीं ना हो तो यार गेम अधूरा लगता है, मानो या ना मानो, लेकिन जो भी गेम होता है ना वो अधूरा लगता है। और जिस गेम में अपडेट आते रहते हैं ना वो गेम लगता है भाई क्या ही गेम है। और हाँ एक दो मैंने नए पाल्स भी पकड़े हैं ऑफ स्ट्रीम, जो मैंने तुम लोगों को दिखाए नहीं है, वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये सब अपने पाल्स है। मेलपाका को मैं यहाँ पे अपने साथ रखा हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैं चलता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे उसके ऊपर मैं चलता हूँ, मजा आता है भाई। फायरफॉक्स इतने सारे अपने पास है। और यहाँ पे पता है मेरे को एक और नया बात पता चला जो मेरे को पहले नहीं पता था, फायरफॉक्स जो मेल होता है उसका डैमेज ज़्यादा होता है फीमेल के मुकाबले। ये फीमेल है लेवल 14, 188 का डैमेज है, ये 13 है, मेल है इसका 182 का डैमेज है। आई थिंक मैं इसको नया रखा हूँ ना, इसको मैंने बहुत पहले से रखा था। जो पार्ट्स को मैं अपने साथ रखता हूँ, लड़ाई करवाता हूँ उनका, यार धीरे धीरे पावर और डिफेंस सब कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नाइटविंग को भी पकड़ रखा था, वो तो तुमको पता ही है, इसका भी सैरल बनाना था जो कि लेवल 15 पे बनता है, और लेवल 15 तुम्हारे भाई ने कर चुका है, तो यार इसका सैरल भी हम लोग बनाने वाला है। उसके बाद मैं तुमको और दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो पेंगुलेट सब तो यार मैंने पकड़ा था, सैलरी बहुत सारा मैंने पकड़ लिया है, लिपमंग भी मैंने बहुत सारा पकड़ लिया है, टेंजित को कैसे भूल सकता हूँ यार, अल्फा चिलेट को मैंने अभी तक नहीं पकड़ा, मैं फिर से गया था लास्ट एपिसोड में उसको पकड़ने के लिए, लेकिन यार वो पता ही है वो मर गया था, फायरफॉक्स ने अकेले उसका बैंड बजा दिया था। लेकिन अभी कोशिश करेंगे अल्फा चिलेट को भी पकड़ने का, ठीक है ना, क्योंकि यार वो बॉस है और उसको पकड़ना जरूरी है। और सबसे बड़ा मिस्टेक, एक सेकेंड, ये नॉक्स देख सकते हो, ये नॉक्स एक नया पोकेमोन है मेरे ख्याल से, पता नहीं नया है पुराना है तो तुम ही बताओगे, लेकिन यार ये नॉक्स मेरे को पहले नहीं दिखा था जो मेरे को अभी दिखा है, ठीक है। और भी कुछ गेम में अपडेट है यहाँ पे, जिस तरह देख सकते हो शॉर्ट में, ये सब तुमको पता ही होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर भी यार तुम लोग देखते हो तो ये सब तुमको पता ही होगा। लेकिन ये सब जो अपडेट है ना, ये हम छोटे यूजर के लिए भी है जिन्होंने नया नया खेलना स्टार्ट किया है, तो वही मैं बोल रहा था, जो भी अपना अपडेट है ना वो स्टार्टिंग से दिख रहा है इस गेम में, ऐसा नहीं कि तुम कुछ कर लोगे इतना लेवल पहुंच जाओगे तभी तुमको दिखेगा, नहीं,
जो भी अपडेट है एकदम स्टार्टिंग से लेके इंड तक ऐसा इन्होंने अपडेट लाया ना यार, क्या ही बोलूँ। एक होता है ना कि कुछ लाए लेकिन वो सिर्फ टॉप के लिए लाए, नहीं ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक हर एक चीज़ों के लिए है। और लेवल 15 यार मैंने बहुत आसानी से कर लिया, तो आई होप कि यार लेवल 50 भी बहुत आसानी से हो जाना चाहिए ना, है ना। एक सेकंड में भूखा हूँ क्या, पहले खाना खाते हैं ना। देख सकते हो मेरे पास मेगा स्पेयर भी है। वैसे आज अपने को बहुत काम करने से, मैं बहुत ज़्यादा काम है, इतना काम है कि पूछो मत। लेकिन सबसे पहले मैं तुमको वो दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा ना मैं तुमको करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये मैंने इसको बाहर निकाला और आ जाओ, ये देखो, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, फाइट देख रहा है। ओ भाई, इसी 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 से यार मैं टोटल जगह घूमना चाहता हूँ। लेकिन यार इससे तो मैं देखो यहाँ घूम चुका, मैंने अभी बोला ना रुको, अभी मैं फिर से दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये जो भी एरिया था ना, ये अनलॉक नहीं था एक्चुअली, ये इसी तरह ब्लैक ब्लैक था, तो मैंने यहाँ से वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ये मार्स आइलैंड का जो है ना, मार्स आइलैंड चर्च रून का तो यार मैंने अनलॉक कर लिया है ट्रांसफर वाला, लेकिन यहाँ का ट्रांसफर मैंने अनलॉक नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा साइड में था, रिवर के साइड था। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे नाइट विंग से जाऊँगा उड़ के, और ये जो ब्लैक एरिया है ना इसको भी मैं यहाँ से हटाऊंगा। तो अभी काम कर देना, सबसे पहले नाइट विंग, एक सेकंड रुको, इसको पहले मैं अंदर करता हूँ। अंदर अंदर अंदर, बहुत घूम लिया तू, बहुत घूम लिया मैं तेरे पे। अभी देखो क्या हो गया इसको, लिसन डाउन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम के बाद चल जाना काम करने के लिए, काम करना जरूरी है। एक सेकेंड, इसमें फीड बॉक्स में है ना, हाँ चलो ठीक है, बहुत कुछ है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि नाइटविंग है ना अपने पास, हाँ नाइटविंग है, तो नाइटविंग का भी हम लोग जो है ना वो सैडल बनाने का रेसिपी देखते हैं। एक सेकेंड, अपने को सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। और यार देखो, नेल्स के लिए मैं कितना तबाह हुआ करता था, देखो ये अपना लेवल 10 पे टेक्नोलॉजी में ये खुल चुका है नेल्स, जो मेरे को यहाँ से पहले अनलॉक करना रहता है। ओके, मेटल एक्स ने हमने मेटल पिक एक्स तो ले लिया था, जिससे हम आयरन और जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं अभी। उसके बाद देखो, बेल्ट आर्मर हमें अभी नीचे मिड लेवल नहीं चाहिए। हाँ, ये हमें मेडिसिन वर्क में जो बनाना था, जिसको हमें अनलॉक करना है। एक तो डियर का सर अनलॉक कर लो क्या, अभी तो मेरे को जरूरत नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अल्पाका का है, मे बी ये थोड़ा स्पीड में दौड़ता हो क्या, फिर भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि एकता डियर सैडल में अनलॉक करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो अपना हुआ था, ये स्मॉल फीडबैक हमने अनलॉक किया था, एक इंक्यूबेटर हमें करना था, तो इसके लिए हमें एक बॉस को डिफीट करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, तो वो भी हम अभी इसी एपिसोड में करेंगे। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होगा इसीलिए, तो प्लीज़ पूरा देखना, ओके ना, वॉच टाइम दे दो यार थोड़ा सा। कूलर बॉक्स का देखो बहुत काम पड़ता है, तो ये भी अपने को चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग डमी, ये क्या होता है ट्रेनिंग डमी, पता नहीं ये क्या है। मेडल्स पे नीचे क्रॉसबो, अभी हमें नीचे मेगा स्पेयर, हाँ मेगा स्पेयर हमें बनाना है ना। मेगा स्पेयर बनाने के लिए वैसे क्या क्या चाहिए, पेल्टन प्रेगनेंट चाहिए, इनगट चाहिए, ऊट चाहिए, स्टोन चाहिए, यानी एक इनगट का दिक्कत होगा, आयरन और मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्पेयर वर्क बेंच हमें ये भी खोलना था। उसके बाद फायर एरो क्रॉसबो, ये कर ले क्या, पॉइजन, एक सेकेंड, इसका कितना डैमेज है, 280 डैमेज है, और इसका कितना, 280 है। अभी मैं सोच रहा हूँ अपना पाल्स काफ़ी है, तुम इसको अनलॉक ना करो, देखते हैं अभी अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। व्हीट प्लांटेशन, व्हीट से क्या होगा, लेकिन व्हीट सीड चाहिए, व्हीट सीड हमें कहाँ से मिलेगा ये नहीं पता, व्हीट सीड कहाँ से मिलेगा गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो यार। मेल आई थिंक ये दोनों कनेक्टेड है, तो हमें ये भी चाहिए होगा। मॉनिटरिंग स्टैंड क्या होता है, कमांड योर पाल्स टू वर्क ऑन वेरियस थिंग इनसाइड अ बेस, आई थिंक मॉनिटर करने के लिए चाहिए, चलो ये भी कर लेते हैं। विंग केज, एक सेकंड, ये एक कंटेनर है, ऑब्जर्वर है, जो हम पाल को यहाँ पे रखेंगे तो वो बैटल और प्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हंगरी नहीं होंगे, आई थिंक ये काम का चीज लग रहा है मेरे को, विंग केज। और नाइट विंग का सैडल, यस नाइट विंग का सैडल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले लेदर है, क्लॉथ है, इनगट है, फाइबर है, पहले अरे भाई सब कुछ है। चलो सबसे पहले तो तुम नाइट विंग का सैडल बना के दो मेरे को, कितना टाइम लगेगा, ठीक है इसमें टाइम लगेगा। तो ये अपना केटीवा आई थिंक बना रहा है, चलो ठीक है तुम बनाओ। और केटीवा अपना ये बना रहा है, तब तक हम लोग बना लेते हैं ना क्या क्या बनाना था, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। मेडिकल वाला बनाना था और हाई क्वालिटी वर्क बेंच बनाना था, तो बिल्ड में चलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, नेल्स चाहिए, और नेल्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वैसे एक सेकंड देखें, नेल्स है कि, हाँ नेल्स है, अरे बहुत सारा है, चलो ठीक है एक काम करते हैं ना, 10 नेल्स 20 कर लेते हैं, आई थिंक 20 नेल्स अभी काफ़ी होने चाहिए अपने हिसाब से, अरे अरे हाँ चलो 20 नेल्स अभी काफ़ी होने चाहिए।
हमें खुद से बनाना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा क्या? देखो एक्चुअली बात वो नहीं कि कोई हेल्प नहीं करेगा, मैंने वहाँ पे दो को स्टोन में लगा के रखा है, दो को मैंने ऊड में लगा के रखा है, एक्चुअली मैंने चार को स्टोन में लगा के रखा है। तुम लोगों को पता होगा कि सबसे पहले वहाँ ऊपर में देख रहे हो ना, वहाँ ऊपर में स्टोन हुआ करता था, लेकिन मैंने एक और वहाँ पर स्टोन का कर दिया क्योंकि स्टोन का काफ़ी ज़्यादा कमी हो रहा था हमें। तो अपने पास दो स्टोन का हो गया और एक ऊट का है, क्योंकि ऊट अपना वो जल्दी जल्दी हो रहा है तो ऊट का दिक्कत नहीं हो रहा अपने को, बस स्टोन का दिक्कत हो रहा था। और आई थिंक सही है। अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है, चलो ठीक है बढ़िया है, ये काम कर रहा है अपना। हम लोग कितना पल्स अभी कर सकते हैं? आई थिंक 8 कर सकते हैं, बट लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 हाँ 8 है ना। देखो 8 में 2 अपना ऊट में है, 4 अपना माइनिंग में है, और ये अपना एक ये है। हाँ देखो एक ये भी, देखो भाई ये भी अपना एक नया पाल है, पुराना या नया मेरे को नहीं पता। और मेरे को तुम लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना था। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्टार कर, स्टार करके बना हुआ है, 1 2 3 4 4 स्टार है। वो स्टार का मतलब क्या और वो अनलॉक कैसे होता है, ये मेरे को अभी तक कहीं से पता नहीं चला। अगर तुम लोगों को पता हो कि स्टार का मतलब क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी बताना। ओके गाइस, तो दो ऊट पे है, 4 स्टोन पे है, 4 2 6 हो गया, और एक अपना वो पानी वाला उधर है, यहाँ पे 7 क्या हुआ, इसने काम कर लिया क्या कंप्लीट? अच्छा बाबन का बाबन बना चुका है, रुको इसको भी मैं अभी और बोल देता हूँ बनाने के लिए। अपने पास स्टोन की कमी नहीं है, नहीं है 41, हाँ चलो 41 तुम और बनाओ। देख रहे हो एनिमेशन घूमने वाला भाई, काफ़ी मस्त है। और ये देखो ये पानी भी काफ़ी स्पीड में छोड़ता है, तो ये मेरे को और बढ़िया लगता है। मेरे को यहाँ पे एक पाल चाहिए जो हमें कुछ तो देता है, पाल स्पेयर सा देता है खोज के, लेकिन वो मेरे को पता नहीं कि वो अपने को पाल कहाँ से मिलेगा। एक सेकंड थोड़ा सा मैं एक बार रिपेयर भी चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड ये भी काम कर रहा है क्या? ओ भाई कहाँ चला गया भाई, अभी तो तू काम कर रहा था। टॉम्बैट भाई, टॉम्बैट बड़ा काम का चीज़ है, मेरे को और ज़्यादा टॉम्बैट चाहिए, लेकिन और ज़्यादा टॉम्बैट कहाँ से मिलेगा ना ये अभी तक नहीं पता मेरे को। स्टोन पिकेक्स क्यों, मेटल पिकेक्स क्यों नहीं है अपने पास? वेट लेट मी चेक, अपने पास मेटल पिकेक्स होना चाहिए ना। मेटल पिकेक्स मैंने अनलॉक तो किया था ना, मेटल पिकेक्स अच्छा मैंने बनाया नहीं है लगता है मेटल पिकेक्स। ओके भाई ये नेल्स 40 क्यों दिख रहा है मेरे को? एक सेकेंड, ये भी दो का गुच्छा में बनता है क्या? मैंने 20 बनाए तो ये 40 निकलेगा। एक सेकेंड, 10 अपना बन चुका है तो अभी हम लोग वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल नहीं, सबसे पहले हाई क्वालिटी वर्क में जो बनाते हैं, आई थिंक यहाँ सही रहेगा, यहाँ पे रास्ता रहेगा ना भाई इसके लिए। हाँ चलो रास्ता रहेगा, तो हाई क्वालिटी वर्क बेंच सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं बना के जल्दी से। और मेरे को लगता है फीड बॉक्स को मेरे को थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग खाने के लिए यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं। देख रहे हो दोनों कटिवा को ज़्यादा ही काम करके थक चुका है, स्प्रेन हो रही है उसको, तो एक बोन उसका आई थिंक ब्रेक हो गया है कटिवा का। रुको मैं, अच्छा ये भी अपना बन के तैयार हो गया, रुको ये काम कर देना, कटिवा को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये कटिवा सही है ना, ये कटिवा सही है। किसको दिक्कत हो रहा है? 81 स्प्रेन इसको हो रहा है, चलो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब जाओ भाई कटिवा काम करो तुम, ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ तो ये अपना बन के रेडी हो चुका है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा वो सब काम भी कर सकते हैं इस पर, और आई थिंक ये अपग्रेडेड है तो कुछ कुछ आइटम जो है ना अपना पुराना वर्क बेंच पे नहीं बनेगा लेकिन वो इस पर बनेगा। यस चलो एक स्टोन पिकैक्स ले लेते हैं ना, क्योंकि स्टोन पिकैक्स का बहुत ज़रूरत हमें पड़ने वाला है। ओके और स्टोन पिकैक्स जब अपना बन के रेडी हो चुका है तो मैं इसको इक्विप भी कर लेता हूँ, स्टोन एक्स स्टोन पिकैक्स। और यहाँ पे आ चुका है, एक सेकंड मैंने गलती कर दिया, मेरे को मेटल पिकैक्स बनाना था, मैंने फिर से स्टोन पिकैक्स क्यों बना दिया यार? कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। फीलिंग डाउन बिकॉज ऑफ बैड वर्किंग कंडीशन, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं ना तुम्हारे शरीर में यार। मेरे को मेटल पिकैक्स बनाना था, मैंने दो दो स्टोन पिकैक्स बना लिया, कोई बात नहीं, काम करेंगे ना उसको फेंक देंगे, जैसे उसका काम समाप्त होगा ना मैं उसको रिपेयर नहीं करूंगा, मैं उसको फेंक दूंगा दोनों को। टॉम्बैट भी उधर सो गया भाई, टॉम्बैट कुछ ज्यादा नहीं सो रहा है आजकल, अपसेट एंड वेंट टू बेड, कोई बात नहीं। अगर ये लोग अपसेट हो गए तो मैं इनको खुश कैसे करूंगा, उनके साथ मैं खेल सकता हूँ? ये भी मेरे को बताना तो गाइज। वैसे इसका काम क्या है, स्मॉल फीडबैक का? मैंने ये एंशिएंट टोकन बर्बाद करके लिया है तो मेरे को इसका काम पता करना होगा, एक बार इसको बना के देखते हैं ठीक है ना, क्योंकि अपना एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट इसने खाया है स्मॉल फीडबैक ने, जो मेरे को चाहिए नहीं था। क्या करना है स्मॉल फीडबैक्स का भी,
मेरे इन्वेंट्री में आया या कहाँ आया, वेट लेट मी चेक गाइस। पर तो देखो ये भी अपना एक नया अपडेट है। ओके, स्पेयर वर्क बेंच हमें चाहिए, लेकिन इसके लिए नेल चाहिए, ठीक है, ये हमें बनाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग स्टैंड भी, अच्छा ये तीनों आइटम भी हमें अभी बनाना पड़ेगा। और वुडन कूलर बॉक्स भी हमें एक बनाना पड़ेगा। फीडबैक स्वीट प्लांटेशन भी हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन जिसके लिए वीट सीड चाहिए। वीट सीड हम कहाँ से लेंगे ये अभी तक कुछ पता नहीं है। वीट सीड का पोर्ट स्प्रिंग तो बन चुका है, पिलर ये नहीं, ये नहीं। भाई स्मॉल फीडबैक गया तो गया, किधर गया स्मॉल फीडबैक, किधर गया? मेटल पिकेक्स है ना, तुम इधर आ। मेटल पिकेक्स, स्टोन एक्स, ओल्ड बो और हैंड टॉर्च, चलो ठीक है, ये दोनों का काम बाद में होगा। हाँ तो अपने पास स्टैट्स पॉइंट्स भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बढ़ा लेता हूँ। अपना हेल्थ 1000 कर लेता हूँ, स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 150, और अटैक या वर्क स्पीड, वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यार वेट का बहुत कमी हो रहा है, 4 से कर लेते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है ना, तो अटैक बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। तो अपना हेल्थ हो गया 1070, स्टेमिना 150, अटैक 104, डिफेंस 115, वर्क स्पीड 100। वर्क स्पीड हम मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि हमें काम नहीं करना है। और वेट हो गया 400, तो चलो ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी। हाँ तो सैडल बन के रेडी है क्या? नाइटविंग का सैडल बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ, काम नहीं कर रहे यार ये लोग। ये 10 फिर से बन के रेडी हो गया है, तो हमें और क्या बनाना था? वेट भाई, मेरे को डरा दिया इधर आके। एक काम कर देना, इधर काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो भी है ना, अब मैं इधर बनाऊँ। ये यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं, हाँ चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो बिल्ड में चलते हैं, मेडिकल वर्क बेंच सबसे पहले बना लेते हैं। हाई क्वालिटी बना लिया हमने, देखो ये बन चुका, ये बन चुका, ये बन चुका, बन चुका है ना, अब बन चुका है, ये बन चुका, ये भी बन चुका, ये तो 2 महीने बना लिया है। हाई क्वालिटी अभी मैंने बना लिया, मिल बनाना है, और ये तो ये वर्क एक संजय काफ़ी छोटा है, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अबे कटीवा तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, जाके वो नेल्स बनाना भाई तू। सो अपना ये भी बन के रेडी है, और देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लो ग्रेड मेडिकल सप्लाई, मेडिकल सप्लाई वो भाई। चलो ये अपना बन के रेडी हो गया, और अपने को क्या बनाना था? मिल बनाना था, और मिल के साथ एक और आइटम बनता है ना, फ्लोर फिट फिट फिट, वो मैंने कहाँ बनाया? वेट वेट वेट, स्पीयर वीइंग और मॉनिटर, ये तीनों तो अलग आइटम है, ठीक है। अच्छा वीट प्लांटेशन इधर है, तो ये दोनों मेरे को एक साथ बनाना पड़ेगा, एक तरफ वीट प्लांटेशन रहेगा, एक तरफ मिल रहेगा। हाँ यहाँ पे अपना बहुत सारा जगह है, तो वीट का मैं इधर कहीं बना लूँ, और इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो ब्लू लाइन के अंदर है ना, चलो अंदर है यार, शाम काफ़ी ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया। हाँ तो मिल तो बन गया, वर्क बेंच बन गया, हाई क्वालिटी बन गया, तीनों आइटम बन चुका है। बस अब अपने को इधर ये तीनों आइटम बनाना है, स्पेयर वर्क, व्यूइंग केज और ये स्टैंड, और ये अपना कूलर बॉक्स भी तो बनाना था ना। असाइन टू आइस पाल टू प्रिवेंट फूड स्टोर इनसाइड स्मॉल फूड फॉल्ट। आइस पाल हमें कोई चाहिए होगा इसके लिए, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, आई थिंक यहाँ ये सही रहेगा। हाँ चलो ठीक है, उसके बाद ये अपना बन के रेडी हो जाएगा। वीट प्लांटेशन अब अपने को एक बनाना है, जिसके लिए हमें वीट सीड चाहिए। वीट सीड कहाँ से मिलेगा देखते हैं, वीट सीड कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तीन आइटम चाहिए, जिसके लिए हमें नेल चाहिए, नेल्स तो अपना बन के रेडी हो जाएगा। ये बना सकते हैं वीइंग केज हम लोग, कंटेनिंग फॉर ऑब्जर्विंग कैप्चर पाल, और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टैंड, आई थिंक पहले मॉनिटरिंग स्टैंड बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्या है मॉनिटरिंग स्टैंड, आई थिंक यहाँ से सटे हुए बनाना चाहिए। चलो ठीक है यार, एक सेकंड, रात हो गया, मैं पहले इसको दिन कर लूँ क्योंकि रात में कुछ दिखाई नहीं देता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और पाल सब ने काम कर रहे हैं, और यहाँ पे पाल फ्लैगमेंट भी मेरे को मिला, चलो ठीक है, और भी मिला वो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ तो ये हमने तो बना के छोड़ दिया, ये बन जाएगा। तो विंग केज भी आई थिंक इधर ही कहीं बनाना। ओ भाई ये क्या इतना बड़ा है ये, एक सेकंड, मेमोरिस्ट इधर कैसे आ गया भाई? भाई भाई मेमोरिस्ट इधर कैसे आ गया, क्या इसके साथ लड़ाई किया जाएगा, मारा जाए क्या इसको? लेट मी चेक, मारो 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 मारो, मार के तहलका कर दो भाई। किसको छोड़ू, फायरफॉक्स को छोड़ता हूँ भाई, भाई फायरफॉक्स इसके जगह, चलो जाओ 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 जाओ, मारो 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 मेमोरिस्ट को मारो भाई, थोड़ा भी हल्डो नहीं हुआ है। इधर नहीं मानेगा, इधर नहीं मानेगा मेमोरिस्ट भाई, मेरे पास क्यों आ रहा भाई?
ओ क्या कोई और भाई, बहुत सारा पाल्स मर गया यार। मार 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 भाई, सबको मार डालेगा क्या? मार भाई, भाई 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 भाई, भाई। बेकार में मैंने इससे पंगा ले लिया, बेकार में पंगा ले लिया मैंने इससे। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये सबको मार डालेगा भाई, ये सबको मार डालेगा, ये सबको मार डालेगा। नहीं 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 नहीं, मेरे को मत मारो यार, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। एक सेकेंड, जल्दी 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 सारा पाल्स को अंदर डालो। हाँ सब कुछ तोड़ देगा ये मेमोरिस्ट, पागल हो गया। इधर इधर आ मेमोरिस्ट, इधर आ मेमोरिस्ट, इधर आ इधर आ इधर 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 आ नीचे। भाई बहुत सारा पाल्स को इसने, किधर गिर गया, किधर गिर गया। जल्दी 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 जल्दी, ओ भाई इधर आ। भाई देख रहे हैं भाई, काफी स्ट्रॉन्ग है यार वो मेमोरिस्ट। हेल्थ उसका मुश्किल से 5% कम हुआ होगा। इधर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं है क्या? आई थिंक गाना बंद हो गया, गाना बंद हो गया, तो आई थिंक ये अब मेरे को नहीं मारेगा। बेस का क्या हाल कर दिया यार इसने मेरा। भाई अभी पता चला मेमोरिस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है भाई, कुछ नहीं कर रहा ना भाई, थक गया लगता है भाई। गजब हाल है यार, देख रहे यार हेल्थ देखो यार इसका, भाई इसको मैं कैसे पकड़ूंगा। भाई 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 अभी पंगा नहीं लेने गया। रस आवा ये था, ये हाँ रस आवा, नहीं दो रस और था ना। अच्छा दोनों डैमेज पर हुआ है, तो दोनों को डैमेज कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिंडिकेट था कोई पकड़ा था, ये अपना एक अपग्रेड हो गया। बिल्ड स्पेयर वर्कबेंच, स्पेयर वर्कबेंच हम लोग बनाए नहीं है क्या? स्पेयर वर्कबेंच हमने नहीं बनाया लगता। अच्छा स्पेयर वर्कबेंच हमें 5 नेल चाहिए ना यार, नेल बना के दो यार। हाँ चलो ठीक है, तो स्पेयर वर्कबेंच अपना यहाँ बन जाएगा। मॉनिटरिंग स्टैंड हमने यहाँ बना ही दिया है ना, आइए मॉनिटरिंग स्टैंड बन गया। और विंग केज एक बनाना है जो कि यार काफी बड़ा है यार, देख रहे हो काफी बड़ा यहाँ बन रहा है। हाँ चलो यही बनाते विंग केज, पता नहीं ये क्या है लेकिन काफी बड़ा लग रहा है। अच्छा मैं भी बनाने में मदद कर देता हूँ, ये जल्दी बन जाएगा। और विंग केज अपना बन के रेडी है। अच्छा ये यहाँ पे अगर मैं इसको डालूंगा ना, तो इसका हेल्थ रिकवरी नहीं होगा, इसका हेल्थ रिकवरी यही होगा। देखो 1 मिनट 40 सेकंड है ना, मैं यहाँ पे 5 सेकंड रुकता हूँ, 1 2 3 4 5, इसको अब 1:35 होना चाहिए, पर ये 1:39 है। यहाँ देख रहे हो इसमें कोई करके फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है। जो जिसका हेल्थ कम होगा ना, या जिसका सहन एकदम कम होगा, उसको मैं इसमें डाल दूंगा विंग केज में। सो अपना ये बन के रेडी हो गया। और यहाँ से लोग मेगा स्फेरा भी बना सकते हैं, और जिसके लिए मैं चाहिए पैल्डियम फ्रैगनेट इनगट वुड और स्टोन। एक काम करते हैं ना, कितना बना ला है, 5 बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ 5 बना लेते हैं भाई, 5 बना दो तो ज़्यादा टाइम लगता है क्या? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यार बहुत सारा मैंने पाल्स छोड़ के रखा, तो ये लोग अपना काम करेंगे। और ये एक सेकेंड स्प्रेन हो रहा था ना, इसको स्प्रेन के लिए ये है क्या? ब्रोकन बोन के लिए आई थिंक फ्रैक्चर ये काम करेगा। चलो ये मैं बना के देखता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, कोई ना कोई पाल्स बनेगा। चलो छोड़ो। सो मैंने क्या क्या बना लिया, मैंने मोनिटरिंग स्टैंड तो बना लिया, विंग केज भी बना लिया, स्पेयर वर्कबेंच भी मैंने बना लिया, और ये अपना टोटल बन चुका है। कूलर बॉक्स भी अपना बन के रेडी हो ही गया होगा। व्हीट प्लांटेशन के लिए अपने को व्हीट सीड चाहिए, जो अपने पास नहीं है। बाकी आई थिंक हमने सब कुछ बना लिया। एक अपने को बेड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अपग्रेड किया ना एक पाल को, यहाँ बनाते हैं। हाँ चलो ठीक है, और इसका भी हमें काम नहीं है, हम लोग ये बाद में बनाएंगे। तो मील हो गया, मेडिकल हो गया, वीट हो गया, क्रसर। हाँ चलो ठीक है, सब कुछ हो गया गाइस। अपना बेस का जो है ना, अपना बेस का सारा काम समाप्त हो चुका है। हाँ तो अपना नाइटविंग का सैडल बन के रेडी है यार। नाइटविंग को निकालते हैं अभी, नाइटविंग को निकालते हैं। पालवक्स तो मैं फायरफॉक्स को लेके जाऊंगा, मेलपा का 198 का डैमेज लेके जाऊंगा, डायनासोम 199 है, एक नाइटविंग 234 का और डायरोल 224 है। ये 5 अपने पास ठीक है, मस्त है। और ये रसावर काम हो चुका है, तो रसावर को यार इसके जगह लेके चलो, और ये रसावर को इसके जगह लेके चलो, और एक मैं डायरोल को यहाँ पे निकाल दूँ क्या, और मैं किसको निकाल दूँ? आई थिंक एक पानी वाला पाल्स को मैं निकाल देता हूँ, सही रहेगा। सैलरी को निकाल देते हैं ना, यहाँ पे काम करेगा। चलो ठीक है, हाँ तो मेगा स्पेयर में थोड़ा बनने देता हूँ ना, 3 हो गया, 5 दिया था ना मैंने बनाने के लिए, बन के रेडी है क्या मेरा मेगा स्पेयर? लेट मी चेक,
हाँ चलो बन के रेडी हो क्या? तो अपने पास मेगा स्पेयर 8 है और पायल स्पेयर 57 है। अरे हाँ, बॉडी 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 को रिपेयर करना था ना, आई मीन आर्मर को। तो आर्मर को रिपेयर करते हैं पहले जल्दी से, आर्मर को रिपेयर कर दो। चलो ठीक है, ये सब तो रिपेयर ही है। यस, तो आर्मर और सेल अपना ठीक है, बढ़िया है। अभी नाइटविंग को बाहर निकालते हैं और देखते हैं, अभी हम लोग उड़ के चलेंगे। मैं पहली बार इस गेम में उड़ने वाला हूँ, पहली बार उड़ने वाला हूँ। नाइटविंग को निकालना पड़ेगा। ओ भाई, नाइटविंग को मैंने निकाला और मैं इसके ऊपर हूँ पहले से। टोर्नाडो अटैक, एयर कैनन, वाइंड कटर। यार ये मेरे को सीखना पड़ेगा। ई सी, राज स्पेस डिसेट कंट्रोल। ओके, अपना पहला जो रास्ता है ना, चलो अभी देखो, अभी ये जो ब्लैक एरिया है इसको पहले हम लोग चलेंगे सर्च करने के लिए। क्या ये ओवर स्पीड में नहीं दौड़ेगा? हाँ स्पीड में चल रहा है ना। ओ भाई, ऊपर से क्या ही व्यू लग रहा है। रुको, मैं थोड़ा अपना स्पेस देखूँ एक बार, आई मीन मैं अपना एक बार बेस देखूँ यार। देखूँ यार बेस अपना ये, लेकिन बेस मैंने बहुत गलत बना लिया। पता है मेरे को वहां बनाना चाहिए था, वो जो देख रहे हो समुंदर उधर, बहुत गलत जगह मैंने बना लिया यार। क्या और ऊपर नहीं जा सकते क्या? एक सेकंड, ये नीचे क्यों जा रहा है? नोट इन फेस्टिवल है। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। मैं इसको और ऊपर करता हूँ, देखते हैं कितना ऊपर जा सकते हैं। पता चलेगा इसको सांस भी नहीं आ रहा है, इतना ऊपर चले गए। ये बर्ड क्यों नहीं रहा है? सो यार देख रहे हो, एक सेकेंड, हम लोग इसके ऊपर तो इसे कभी नहीं गए ना, इसके ऊपर चलो चल के देखते हैं। इतना ऊपर हम लोग नहीं गए। नॉट इनफ एस्टिमेट, ये क्या दिक्कत है? अबे भाई मैं नीचे क्यों आ जाता हूँ? अच्छा, ज्यादा ऊपर जाने के लिए हमें स्टेमिना बहुत ज्यादा चाहिए। ओके समझ गया, नहीं तो हम लोग ग्राउंड पे ही उड़ा करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपने को किधर जाना था? ये ब्लैक वाला जगह ना, यहाँ। तो चलो अपना इधर चलता है। हाँ चलो, इधर तो मैंने पूरा मिटा दिया हूँ। अब देखो अभी मेरे को कहाँ जाना था, यहाँ। ये अपना मैं लोकेशन सेट नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं थोड़ा सा टैग भी करके देख लाऊँ, इसे क्या होता है। ओ भाई, वाइन कटर से क्या होता है? ओ भाई, और नाइट्रो अटैक से क्या होता है? ओ, नाइटविंग के पास टोटल 3 अटैक है। वाह यार, काफी मस्त अटैक लग रहे हैं यार ये मेरे को। अभी पता, अभी अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग पता क्या करेंगे। अभी जो है ना, ये जो देख रहे हो ना मार्सेलन, उसको थोड़ा सा वो अनलॉक करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे अल्फा शीलेट से फाइट करने के लिए। मार्सेलन हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये कौन है? क्वाड्री विक्टिम। एक सेकंड, यहाँ पे लगता है एक इंसान भी है, उससे मैं बात करूंगा। लेकिन पहले इसको अनलॉक करते हैं, मैं बहुत टाइम लगा यार यहाँ आने में। लेकिन नाइटविंग था तो यार फिर भी बहुत जल्दी आ गया यार, सही में बहुत जल्दी आ गया मैं। अरे अरे मार क्यों रहा है? मत मारो मत मारो। अनलॉक हो गया गाइस फाइनली एरिया अपना। अरे अब ये मार ही दिया तो इसको मार ही दो, मार ही दो। अभी किसको मार रहे तू? हाँ चलो ठीक है, मेरे को लगा यार मैं इसको वापस बुला रहा हूँ। वापस बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनली हमने, देखो मैंने तुमको अपना प्लान पहले ही बता दिया था कि मैं पहले राइट साइड पूरा एक्सप्लोर करूंगा और उसके बाद इधर जाऊंगा। लेकिन देखो राइट साइड इधर मेरे को लगता है, और मैं जाऊं क्या? तो अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि मैं यहाँ से राइट साइड में जाऊं या मैं इधर से सीधे जाऊं, ये जो रेड एरिया देख रहे हो ना यहाँ पे डेसोलेट चर्च, या मैं इसके तरफ जाऊं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे किंग पार्क है। ओके, यहाँ पे एक डंजन भी है जो मेरे को जाना है डिस्कवर करने, लेकिन वो मैं जाऊंगा बाद में। और अभी अपना काम है अल्फा चिलेट को पकड़ना, जो कि अपने को इधर कहीं मिलेगा ना। हाँ यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ चलते हैं अल्फा चिलेट को पकड़ने के लिए। और अल्फा चिलेट के बाद जो है ना, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ये पैंकिंग को हरा देंगे, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, पहले बेस पे चलते हैं हम लोग। बेस पे क्यों जा रहे हैं मैं बताता हूँ। अभी हमारा जो जर्नी है वहां में क्या बोल रहा है, फाइट द बॉस एट द रैंड सिंडिकेट टावर। रैंड सिंडिकेट टावर में कौन सा बॉस है? एक सेकेंड, यहाँ भी बॉस है क्या? रैंड सिंडिकेट टावर तो ये है ना यहाँ, लेकिन मेरे को कौन सा, यहाँ तो अल्फा चिलेट ही था। इससे बोल रहा है क्या लड़ने के लिए? यार रैंड सिंडिकेट तो ये टावर ऑफ रैंड सिंडिकेट यहाँ, लेकिन मेरे को बॉस तो नहीं दिख रहा है। यहाँ कोई बॉस है तो प्लीज मेरे को बताना, ठीक है ना? मेरे हिसाब से मेरे को टैंकिंग को हराना है, ठीक है?
और उसके बाद बोरा बिल्ड एक इनक्यूबेटर, वो तो बॉस को हराने के बाद ही हमें मिलेगा। एंड कैप्चर द सब्जू पैंकिंग, हाँ चलो पैंकिंग को करना है हमें, चलो ठीक है एक सेकंड। और इसको अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा ये अपग्रेड कर सकते हैं। काज फाइनली अपना जो बेस लेवल है वो 10 हो चुका है, यानी अब हम लोग एक और बेस बना सकते हैं। लेकिन प्लीज मेरे को बताना कि वो जो सेकेंड बेस है ना, वो मैं कहाँ पे बनाऊँ और उसका सही से इस्तेमाल कैसे करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए, प्लीज ये जरूर बताना, ठीक है ना। और बिल्ड कुकिंग पॉट बाद में करेंगे, बिल्ड फीड प्लांटेशन बाद में करेंगे। सो यहाँ पे एक और पाल डाल देते हैं ना, तो चलो चलते हैं अल्फा चिलेट को हराने के लिए। मैं यहाँ पे छिपूंगा, ठीक है, और फायरफॉक्स यहाँ जाके लड़ेगा। कमांड अटैक, हाँ चलो ठीक है। ओए भाई तू इधर क्या कर रहा है? अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, इसको मार मार उसको। मैं छिपू किधर? मैं इधर पैर के पास छिपूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया 919, बहुत बढ़िया लड़ रहा फायरफॉक्स, मार उसको। ओ ये यहां क्यों आ गया? भागो भागो भागो, पता ये वाटर टाइप का है ना, तो इसलिए मैं इसको फायरफॉक्स से लड़वा रहा हूं। अरे नहीं भाई बच गया, भाई भाई बच गया यार। अल्फा चिलेट मेरे पास क्यों आ जाता है? फायरफॉक्स का थोड़ा सा हेल्थ अभी है। एक और, चलो तुम वापस आ जाओ, अभी मैं संभाल लूंगा। अरे अरे किधर गया? 10% प्लीज हो जा, प्लीज 10% प्लीज हो जा, प्लीज हो जा। 28% 28% 60% 98, और पहला बॉस को हमने पकड़ लिया है फाइनली। लेकिन मेरे को एंशिएंट टोकन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मेरे को ये चाहिए एंशिएंट टोकन, एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मेरे को ये चाहिए। चलो अभी चलते हैं दूसरा बॉस से लड़ने के लिए, तब तक अपना फायरफॉक्स भी आई थिंक वो कर लेगा, रिकवर कर लेगा। हाँ तो नाइटविंग पहले हेल्थ को थोड़ा बढ़ा लेना। इसको खिलाओ और इसको खिलाओ, और नाइटविंग काफ़ी भूखा। अरे अरे नाइटविंग इतना भूखा भाई, इतना भूखा। सब समाप्त हो गया, अपने पास कुछ नहीं बचा। अरे यार ये तो दिक्कत वाली बात होगी, यहाँ पे कहीं कुछ है क्या? तो देखते हैं, अगर रास्ते में मेरे को मिल गया ना बेरी तो फिर बढ़िया है, नहीं भी मिला तो यार इतना तो हेल्थ आई थिंक हमें चलना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बॉस से फाइट नहीं करूंगा, वहां का जो अपना फास्ट अनलॉक रहेगा ना उसको सबसे पहले हम लोग अनलॉक करने वाला है। ये रेड स्टोन एरिया में आ गया हम लोग, माइनक्राफ्ट में रेड वाला वो होता है ना, क्या नाम है इसका, मेरे को नाम पता नहीं, मैं ज्यादा नहीं खेला, ये वैसा लग रहा है। आ गया सील्ड रिम ऑफ द फ्रोजन विंग्स, आई थिंक यही अपना फास्ट अनलॉक है क्या? नहीं ये डंजन है, एक सेकंड, नहीं 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 अभी डंजन में नहीं जाना है, अभी डंजन में नहीं जाना है। बॉस क्या इसका डंजन के अंदर रहता है क्या? ठीक है बॉस इसका डंजन के अंदर रहता है मैं समझ गया, लेकिन अपने को पहले ये फास्ट अनलॉक ओपन करना है कि अगर मरूर गए तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे आ पाए हम लोग। ओ सो चलो हमने एक सेकंड एक्वायर वन एंड ये क्या है? एक सेकंड एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट है भाई, यहाँ तो लिखा था एक्वायर्ड वन एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट, लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट में गया तो यहाँ तो फिर जीरो ही दिख रहा है। अपने साथ प्रैंक हो गया, एक्वायर्ड वन एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऐसा क्यों लिखा? आई थिंक इसका बॉस को हराएंगे तभी यहाँ से एक्वायर कर पाएंगे, आई थिंक यहाँ से, आई थिंक उसका कहने का ये मतलब था। लेकिन अपने पास फूड नहीं, अपने को फूड चाहिए, आई नीड फूड। चलो एक सेकेंड घर पे चलते हैं, खाना लेके आते हैं और फिर ट्राई करने चलते हैं। भाई थोड़ा सा तुम मेरे को दे दो यार, मैं 10 मिनट से रुका हूँ कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है ना वो बंद होगा, लेकिन यार वो बंद ही नहीं हो रहा है। नीचे पता नहीं कौन गोलगप्पा या कौन सा ठेला है यार, पूरा गाना बजाया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया। तो चलो अपना मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो डंजन के पास हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मैं यार यही तो हमें पकड़ना था यार। चलो चलते हैं इंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मैं पैंकिंग को पकड़ पाऊँ। आ गए हम लोग, ये क्या हो भाई? हो भाई पहले भागो, अरे अरे पहले छुपो। ये बड़ा पैंकिंग है और एक दो तीन, तीन छोटा पैंकिंग है और वो मेरा भागने का रास्ता है, यानी अगर मैं मर उड़ गया तो यार उधर से भाई मैं भाग सकता हूँ।
तो पहले कौन सा पैंकिंग को मारा जाए, मैं सोच रहा हूँ पहले वो छोटा वाला जो है ना एकदम कोना में, पहले उसको मैं कमांड पे लेता हूँ। यार कहीं और छिपने के लिए इसमें जगह नहीं है क्या? अगर मैं इसको मारूंगा तो यार वो लोग तो मेरे को नहीं ना मारेंगे। ओ मारने लगा, वो नहीं बड़ा वाला नहीं ना, ओ भाई बड़ा वाला भी है, भागो भागो। ओ सेट 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 सेट, अरे अरे भागो जल्दी भागो। रास्ता किधर से था? रास्ता सेट मैंने एकदम हक दिया यार, इसको नहीं हरा पाऊंगा, इसको हराना समझ गया, इसको हराना आसान नहीं है। हाँ तो इसको हराने के लिए जो है ना यार अपने को कुछ सीखना पड़ेगा आई थिंक, या तो एक बढ़िया सा हमें पाल चाहिए जो इसको हरा पाए, इसको ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम लोग। आई होप कि हमें डंजन में नहीं जाना पड़े, हमें बाहर में मिल जाए। चलो बाहर में मिल गया यार, इसको हराना यार, बाप रे 2 से 3 यार, गजब हुआ यार गजब हुआ। फायरफॉक्स को भी एकदम पूरा, एक सेकेंड आया नहीं। हाँ चलो ठीक है, देखो यार फायरफॉक्स का तो पूरा बैंड बजा दिया यार इसने। वैसे कौन से टाइप का है ये अपना पैंकिंग? आई थिंक मेरे को डायनासोर को छोड़ना चाहिए था पहले। चलो आज भी हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और आज भी जो अपना सपना है एक इनक्यूबेटर का वो यार पूरा नहीं होगा। एक एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए, पता नहीं कैसे होगा। चलो ये वीडियो लंबा नहीं जाता, वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।